तो यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ कामे 2.0। एंड गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज जो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये एक अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जस्ट सचदेवा बेकरी है, और ये सिर्फ वन एंड ओनली अनमोल भाई की ये पेस्ट्री दबाते हुए अपनी बेकरी की। और तो गाइस, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को अलग से एक ब्लॉग चाहिए सचदेवा बेकरी पे, पूरा बेकरी का शूट करेंगे। कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए वो एक सेपरेट सा ब्लॉग। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद, एंड वहाँ की जो है हम लोग एक नाइट लाइफ ही दिखाएंगे एक तरह से। तो चल रहे हैं फिर, चलो भाई बस खा लूं फिर चल रहे हैं। अपना ही बेकरी का ये माल दबाता रहता गाइस, किसी बेकरी का खाता हूं कि और का नहीं, और का नहीं खाता ये, बाकी सब अंडे वाला बेकरी एकदम एंडलेस। ये तो है, बाकी भाई इसकी बेकरी से हम लोगों ने तो अपने स्कूल टाइम पे बहुत ही खाया, इतना खाया है जितने लोग भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। हमने सचदेवा बेकरी से कितना खाया है, बहुत खाया है, और जेन्युइन टेस्ट है। तो बताना गाइस कमेंट करके ज़रूर कि आप लोगों को एक सेपरेट ब्लॉग चाहिए पूरी सचदेवा बेकरी का, ज़रूर बताना। बाकी अब हम चल रहे हैं जामा मस्जिद पूरी नाइट लाइफ कवर करने, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या खाने पीने को होता है, तो वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो फटाफट से निकलते हैं स्कूटी से जामा मस्जिद। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शरबत है मोहब्बत, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। जैसे ये वाले भाई तो अभी है नहीं, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ रखे हैं। अनमोल भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है यार, मजा आ गया। आओ यहाँ पियो, मजा आ गया भाई, मजा आया ना भाई। इसे मोहब्बत का शरबत कहते हैं क्योंकि इसे पी के मोहब्बत हो गई है मेरे को, यहाँ के लोगों से मोहब्बत हो रही है मेरे को। क्यों तेरे को मोहब्बत नहीं मिल रही काफी टाइम से? मोहब्बत तो है मेरे पास, अपनी है मेरे पास, उसकी मोहब्बत है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। ये देखो ये अंकल जी बना रहे हैं, ये देखो अमूल का टेट्रा पैक पूरा डालते हुए। ओए ओए क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या डाल रखा है वैसे अंकल जी इसमें? ये रूह अफजा डाल रहा है, चीनी गेरी, फिर दूध गेरा। अच्छा आपका है, अच्छा क्या बात है भाई, मोहब्बत शरबत कहते हैं ना इसे। और ये रहा आपका तरबूज, ये अंकल जी काटते हुए। ओए 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 क्या बात है, ये अंकल जी काटेंगे अभी ने? और ये डाल दिया भाई इसमें। गाइस आना यार एक बार, ज़रूर आना भाई जामा मस्जिद में, बहुत ही फेमस है ये शरबत है मोहब्बत। ये डल गया इसमें, ये देखो भाई बर्फ़ भी डल रखी है। भाई आप क्यों नहीं पी रहे? ये भी भाई अनमोल का दोस्त है, क्या नाम है भाई? देवांश भाई कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। भाई आप क्यों नहीं पी रहे भाई? नहीं नहीं भाई, चलो भाई मैं भी पी के देखता हूँ। गाइस अभी मैं पी रहा हूँ मोहब्बत है शरबत। हाँ 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 मजा आ गया, इसमें वाटरमेलन डला हुआ है बारीक बारीक काट के, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बर्थ इट कितने रुपए का है भैया ये ग्लास? एक ग्लास कितने का है? 30 रुपए का भाई, 30 रुपए का एक ग्लास है। बोल तो चट कर गया भाई, बोल तो चट कर गया। वाटरमेलन, वाटरमेलन बच्चा खाऊंगा, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है भाई। हमें फर्स्ट टाइम आया भाई, अब तुझे ये पी के तेरी मोहब्बत मिल जाएगी तुझे। मैं भाई अच्छा।
नचिया पहली सी है। और कितनी लूं? है बस एक मोहब्बत भाई, जितनी मोहब्बत मिले उतनी उतना अच्छा है। एक ठीक है, एक से सर दर्द हो रहा था भाई, दो दिन हो गया दिमाग खराब हो जाएगा। मोहब्बत देखी करो, ज्यादा मत करो, सर दर्द हो रहा था। अच्छा भाई, मेरे को तो गाइस बहुत टाइम से मोहब्बत नहीं मिल रही थी, मैं तो इसीलिए स्पेशली पीना आया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई आप सुना ये कि भाई मोहब्बत मुश्किल है भाई की मोहब्बत इस समय, छोटी छोटी बातें सीरियस हो जाते हैं, कैसे मिलेगी इनको? इनको बताओ तो जिंदगी फन भी होना चाहिए यार। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी माँ, बेटे तुम तो भाई दिसंबर में हम लोग ठंडी ठंडी शरबत पी रहे हैं। इसमें क्या क्या मिला हुआ वैसे? एक तो दूध हो गया, एक भाई ने वो रमला रखा रूह अफ़ज़ा, एक भाई ने रूह अफ़ज़ा मिला रखा है। आजो भाई आजो, बस बाय भी नहीं करो, ये हमारे ब्लॉग स्टार है ये भाई, शरबत मोहब्बत का मजा ले रहा है हमारे इलाके में, मटिया महल में जामा मस्जिद पर, माशाल्लाह बहुत मशहूर शरबत है हमारे यहाँ का, बहुत मजबूत भाई। जो हमारे एक बार आता है भाई वो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आता है। हाँ भाई ये तो है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा लगा मैं तो यहाँ पे आके, बहुत स्वाद है, फर्स्ट टाइम आया लेकिन बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आएंगे। आप फर्स्ट टाइम आए दोबारा ज़रूर आएंगे ज़रूर, और भी बंदों को मैं कल को बोलूँगा कि हमारे वहाँ भी एक खोल करेंगे, हम वहीं पिया करें। हमें दूर पड़ जाता है आने के लिए, क्योंकि हमारे भाई बहुत फेमस हैं ये तो। इंशाल्लाह हमारे चाचा का दुकान ऐसी है, जो एक बार आता है वो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आता है भाई, क्योंकि चीज़ यहाँ पे मिलती है भाई नंबर वन। ये तो है, ये तो है भाई। गाइस ये भाई तो दूसरा ग्लास लेते हुए, भाई तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। कुछ भी, कुछ भी भाई को ज़्यादा ठंडा नहीं होता तो। हाँ भाई, ठंडा खराब हो जाता है, गला वाला बैठ जाएगा, वैसे ही बैठ रखा है मेरा तो, ये भाई का तो बैठ ही रखा है, देखो तो ब्लॉग शूट कर रहे हैं उनकी आवाज ही बैठी हो रखी है। तो गाइस अभी तो हम लोग आ रखे हैं अल अजीज अमर कॉलोनी, काफी फेमस है क्या यहाँ का भाई? मतलब इनका चिकन वगैरह सब मैं तो खाता नहीं हूँ, मतलब जितने मेरे दोस्त खाते हैं उनके हिसाब से ये बहुत स्वाद है। अच्छा। और हमारे यहाँ का बेस्ट है, हम तो घर में अगर वेज वेज भी मंगाना होता है इसे मंगाते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। पनीर, मैं तो पनीर का ही शौकीन हूँ, पनीर अच्छा। अंदर यार मेन्यू नहीं बताऊंगा, सीधा दिखाऊंगा। अच्छा ये तो बता व्यूअर्स को कि वहाँ पे हम लोग जो इंडिया गेट से क्यों घूम के गए? अबे भाई रोडे बन रही है, इतना मूड खराब हुआ है ना, सीधी जाने वाली रोड को हमें घुमा के ले गए हैं लोग आगे, सुंदर नगर से यहाँ से रोड बन रही है, इतना घूम घूम के हम इंडिया गेट के वहाँ से गए, वरना सीधी रोड थी भाई जामा मस्जिद की जाने की। हमें यहाँ हमें सीधी रोड का तो पता था, लेकिन घूम के जाके तो हमें भी नहीं पता था, तो वहाँ इतना लंबा हो गया हमें जाते समय, तो वापसी तो हम 20 मिनट में आ गए, तो भाई 15-20 मिनट में आ गए, जाते समय हमें लगा अप्रोक्स कुछ आधे घंटे से ज्यादा, आधा घंटा 40 मिनट तक लगा, 40 मिनट लगे होंगे क्योंकि इन लोग इंडिया गेट से घुमा के ले गए थे हमें, इंडिया गेट से घूमते हुए, तो इस चक्कर में नेविगेशन लगा था, नेविगेशन लगा था ऊपर, नेविगेशन तुम्हें पता ही है गूगल बाबा जिंदाबाद है भाई, सबका काम खराब करता है वो, और नहीं तो क्या वही है भाई। अभी जाएंगे गाइस, अभी अंदर जाएंगे और भाई पेट पूजा करेंगे। हमने सोचा यार क्या जामा मस्जिद में खाना, वहाँ पे सारा कुछ यार नॉन वेज भरा पड़ा था, इसने बोला एक बार अल अजीज़ ट्राई करवाता हूँ तेरे को, अमर कॉलोनी का काफ़ी फेमस है, उसका ट्राई करियो काम है। मैंने कहा चल ठीक है, अल अजीज़ ही आते हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ आए हैं, ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर आता है वही मैं आपको फिर दिखाऊँगा कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है जो यहाँ का फेमस है, जैसे ही ऑर्डर आता है तब मिलते हैं। गाइस ये देखो ये आ गए हमारे, ठीक है बटर नान, ये बटर नान रोटी, बटर रोटी है। अच्छा बटर बटर रोटी, ये बटर रोटी है, क्या बात है। और ये तो नान लग रहे हैं, मेरे को तो नान लग रहे हैं। ये देख लो गाइस, पहली बार रेस्टोरेंट में आए हैं, पहली बार रेस्टोरेंट में खाएंगे। ये हमारा पनीर आ गया, और ये हमारे सोया चाप, तंदूरी चाप, क्या बात है। आधी आ गया, ये देखो मैंने का ब्लॉग पहले बना रहे थे, तो ये भाई फुल खाते हुए, ओए होए टेस्ट बढ़िया। ओ अबे जूम क्यों रहा है तू? यार
क्या बात है, करते हैं भाई टेस्ट करते हैं। अब गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं लजीज से खाना वगैरह खा के, और भाई मजा आ गया यार खाना खा के। रात के कितने बज गए अनमोल? ढाई बज गए भाई, ये रे सारे तीन बज गए हैं भाई अल्लाजी से खाना खा के। नहीं हमने उसके बीच में क्या क्या नहीं कर लिया आपको बाद में बताएंगे। कट कर देना प्लीज। वो नाइट आउट था हम लोगों का, इतना टाइम बाद नाइट आउट था, हम सब बैठे थे बातें कर रहे थे बातें वगैरह। अब तो तीन बज गए हैं भाई, तीन बज गए, अब काफी लेट। अब तो भाई घर जा रहे हैं हमारे, और हम घर जाके अब सोएंगे सोएंगे भाई यार। अब तो निकलते हैं भाई घर को, ठंड भी भाई बहुत ज्यादा हो रही है यार। अब तो घर को निकलते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, एंड फ्यूचर में भी ऐसे नाइट व्लॉग्स के लिए सोच रखा है, नाइट आउट वगैरह के भी काफ़ी व्लॉग्स डालेंगे फ्यूचर में भी। तो आई होप आप लोगों को यार ये व्लॉग पसंद आया, तो मेक श्योर आप इस व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के लिए, चलते हैं बाय।